नमस्कार, हमारी खास पेशकश देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं दिव्या तिवारी। शौर्य, साहस, पराक्रम, हौसले, बहादुरी, कितने ही अलंकार हिंदुस्तानी सेना की तारीफ में कम पड़ जाते हैं। जब देश के जवान पराक्रम दिखाते हैं तो देखने वाले चाहे रूस के हों, चीन के हों या किसी और देश के, दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर हो जाते हैं। मरुधरा एक बार फिर अपने जाबाजों के पराक्रम की गवाह बनी। मौका था आर्मी गेम्स का, दुनिया के सात देशों के साथ हिंदुस्तानी सेना की स्काउट टुकड़ी ने इस प्रतियोगिता में शिरकत की। युद्ध क्षेत्र में आने वाली चुनौतियों की रियल लाइफ साइट पर परीक्षा दी और हर पैमाने पर खरे उतर कर खुद को अव्वल साबित किया और इसी के साथ हो गई जैसलमेर में जय हिंद। मरुधरा के जैसलमेर और उसमें पोकरण की भूमि से कौन परिचित नहीं है। हिंदुस्तान के लिए यह नाम बहुत जाना पहचाना है और यहीं से अटल जी की अगुवाई में देश ने दुनिया को अपनी परमाणु काबिलियत से परिचित करवाया था। लेकिन इस बार जैसलमेर में हिंद के जाबाजों ने अपनी युद्ध कला का कौशल दिखाकर 125 करोड़ हिंदुस्तानियों का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। ये रिपोर्ट देखिए। इंडियन आर्मी का इंडिपेंडेंस गिफ्ट, टीम इंडिया ने जीता वॉर गेम। हिंदुस्तान के हौसले देख रूस चाइना हैरान। भारतीय सेना ने मार लिया मैदान। जैसलमेर में टीम इंडिया का जोश हाई। पहली बार मेजबानी, पहली बार शिरकत। रूस चीन समेत सात देशों को पीछे छोड़ा। युद्ध की कला में हिंदुस्तानी अव्वल। देश के रक्षा मंत्री और सेनापति ने बढ़ाया हौसला।
हिंदुस्तान के गौरव की ये तस्वीरें पाकिस्तान को देखना जरूरी है। वीरभूमि जैसलमेर की धरती हिंदुस्तानी वीरों के एक और पराक्रम की गवाह बनी। जैसलमेर के पोखरण में युद्ध कौशल की श्रेष्ठता की प्रतीक अंतर्राष्ट्रीय स्काउट मास्टर प्रतियोगिता में हिंदुस्तानी जांबाजों ने झंडे गाड़ दिए। दुनिया की बेहतरीन सेनाओं में शुमार रूस और चाइना भी नहीं कर सके मुकाबला। युद्ध के हर क्षेत्र में हिंदुस्तानियों का रहा दबदबा। एक ओर देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा था तो दूसरी ओर देश की जांबाज सेना रण कौशल दिखा रही थी वीर भूमि मरुधरा में। मौका था वॉर गेम्स का। अंतर्राष्ट्रीय स्काउट मास्टर प्रतियोगिता, हिंदुस्तान ने पहली बार इस प्रतियोगिता में शिरकत की, पहली बार मेजबानी की और पहली बार में ही झंडे गाड़ दिए। इस प्रतियोगिता में भारत के अलावा रूस, चीन समेत 7 देशों की सेनाओं ने हिस्सा लिया। सभी देशों के सैनिकों ने शानदार रणकौशल की नुमाइश की, लेकिन हिंदुस्तानी जांबाजों का हौसला देखकर सभी दंग रह गए। 5 चरण में हुई इस प्रतियोगिता में पहले 4 चरण में हिंदुस्तान पहले नंबर पर रहा और 5वें चरण में दूसरे स्थान पर। 5 कॉम्पिटिशन के आधार पर भारत को विजयी घोषित किया गया। देश के रक्षा मंत्री ने देश की सेनाओं का हौसला बढ़ाया और सैनिकों को सम्मानित किया। ये तस्वीरें गर्व महसूस कराती हैं, ये तस्वीरें बताती हैं कि हिंद की सेना अजेय शक्ति है और इससे टकराने का ख्वाब देखने वाले सावधान हो जाएं। ये तस्वीरें 125 करोड़ हिंदुस्तानियों के दिल में देश के रक्षकों के प्रति प्रेम और सम्मान बढ़ाती हैं। ये तस्वीरें गवाही हैं हिंद की सेना के शौर्य, पराक्रम, बेहतर युद्धक तकनीक और तालमेल के साथ दुश्मन को धूल चटाने की। जैसलमेर से शूर्यवीर और राजीव गौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया। इस प्रतियोगिता में हिंदुस्तान की टीम हर क्षेत्र में अव्वल साबित हुई है। देश के रक्षा मंत्री ने जांबाजों का सम्मान किया और दुनिया के अलग अलग देशों के साथ अभ्यास कर टीम इंडिया भी खासी उत्साहित नजर आई। पूरी प्रतियोगिता के दौरान सभी देशों के सैनिकों ने शानदार अनुशासन और पराक्रम का प्रदर्शन किया।
वॉर गेम्स में टीम इंडिया। रक्षा मंत्री ने बढ़ाया जांबाजों का हौसला। ट्रॉफी के साथ टीम इंडिया को देख देश गदगद। ये जीत है खास, ये जीत है अलग। हिंद के शूर वीरों ने बढ़ाया वीर धरा का मान। ये तस्वीरें गर्व की हैं। हिंदुस्तान के जांबाजों के चेहरे पर गौरव झलक रहा है। ये ट्रॉफी कुछ खास है, सबसे अलग है। वॉर गेम से ज्यादा रोमांचक, खतरनाक और सांसें थाम देने वाला खेल और क्या होगा। लेकिन देश के वीरों ने दिखा दिया कि हिंदुस्तानी सेना के पराक्रम और रण कौशल का कोई सानी नहीं। हिंदुस्तान की सरजमी पर इस प्रतियोगिता का आयोजन पहली बार हुआ है। पहली बार देश के जांबाजों ने इसमें शिरकत की, लेकिन पहली बार में ही ट्रॉफी हासिल कर ये जता दिया कि सुनो गौर से दुनिया वालों, सबसे आगे है हिंदुस्तान। भारत और पाकिस्तान की सीमा पर जिस तरीके से पहले भी कई देश आते रहे, इस बार जब 7 देश आए, उनके बीच में से ट्रॉफी जीतना अपने आप में बहुत खुशी की बात हो जाता है। इसके लिए कितना कड़ा संघर्ष करना पड़ता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, खुद को खपाना पड़ता है। देखिए देश के जो जवान हैं, उन्होंने टीम इंडिया की भावना से जिस तरीके से ये ट्रॉफी हासिल की है, पूरे विश्व में एक बार फिर से भारत का जो परचम फहराया, जवान हमारे से बात कर कितनी खुशी होती है कि इस तरीके से जो आपने इस ट्रॉफी को हासिल किया है। डेफिनेटली बहुत खुशी की बात है और ये मुकाम हासिल करना बहुत मशक्कत और कड़ी ट्रेनिंग मांगता है। 7 देशों की जो टीम है, उनको बहुत कुछ सिखाना और उनसे सीखना, मित्रता के जो भाव, रक्षा मंत्री ने कहा कि राजनाथ सिंह का कि मित्रता के भाव और बढ़ते हैं। बिल्कुल, एक कंपटीशन से अलावा एक दूसरे के सीखने का एक बहुत बड़ा मौका था हमारे लिए और हम सब ने, सारे देश ने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखने को मिला हमें इस मौका में। कहते हैं कि युद्ध कौशल अपने में तो है, लेकिन आपने उनमें से भी कुछ निकाले कि कुछ उनसे भी कुछ सीखा है। हाँ बिल्कुल, उनसे भी बहुत कुछ सीखा है और अपने से उन लोग भी सीखा है। हमारे साथ रक्षा प्रवक्ता घोष है। घोष, इसको पूरे आयोजन को आप किस रूप में देखते हैं, खासतौर पर भारत की जब जीत हुई है किस रूप में? ये तो बहुत ही खुशी की बात है कि इंडिया ने सबसे पहले ये कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया है और सबसे पहले ये कंपटीशन को सबसे ऑर्गेनाइज भी किया है, तो हम होस्ट भी हैं और साथ में इस कॉम्पिटिशन में पहली बार टीम इंडिया ने हिस्सा लिया है। और इससे ज़्यादा क्या गर्व की बात हो सकती है कि टीम इंडिया जो फर्स्ट टाइम इसमें हिस्सा ले रही है, वो इसमें अव्वल आई है। बिल्कुल, तो आप देख सकते पहली बार में पहला कमाल। जी हाँ, युद्ध कौशल के मामले में ये जवान जो हैं वो बॉर्डर पर तैयार रहते हैं गोली खाने के लिए, गोली मारने के लिए, लेकिन उससे भी ज़्यादा गौरव की बात ये कि पहली बार में कंपटीशन में आना और पहली बार में खिताब हासिल करना बहुत बड़ी बात है। हिंद के योद्धा इस सम्मान के हकदार हैं, उन्होंने ये साबित किया है। एक से बढ़कर एक चुनौती को उन्होंने पूरे जोश और जज्बे के साथ पार किया और तय समय में सबसे तेज, सबसे पहले, सबसे उम्दा और सबसे अव्वल खुद को साबित किया। चाहे हेलीकॉप्टर से कूदकर ऑपरेशन को अंजाम देना हो, या फिर धू धू कर जलती दीवार पर चढ़ना, या फिर किसी युद्धक टैंक का कौशल हो, या दुश्मन के इलाके में घुसकर कार्रवाई का हुनर, दिखा दिया हमसे बेहतर कोई नहीं। भारत में पहली बार हो रही इस अंतर्राष्ट्रीय स्काउट मास्टर प्रतियोगिता के आयोजन के 5वें सीजन का साक्षी होने का गौरव जैसलमेर को प्राप्त हुआ। इससे पहले इस प्रतियोगिता के 4 सीजन का आयोजन रूस में किया गया। जैसलमेर के मरुस्थल में होने वाले इस वॉर गेम में एक्सरसाइज में भारत सहित 8 देशों की सेनाओं ने हिस्सा लिया। इसमें भारत, रूस, कजाकिस्तान,
उज्बेकिस्तान, जिम्बाब्वे, आर्मेनिया, बेलारूस, सूडान और चाइना ने शिरकत की। इस दौरान इन टीमों ने युद्ध कौशल का शानदार प्रदर्शन किया, अपनी युद्धक तकनीकों को एक दूसरे के साथ साझा किया। प्रतियोगिता का मुख्य आयोजन 6 से 14 अगस्त के बीच किया गया। इसमें 8 देशों की सैन्य टीमों के बीच प्रतियोगिताएं हुईं। लेफ्टिनेंट जनरल आर के जग्गा ने कहा, इस तरह के आयोजन सेना के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, जिससे विभिन्न देशों की सेनाओं के साथ मिलकर युद्ध कौशल को साझा किया जाता है। का जो स्काउट मास्टर्स कंपटीशन हम हिंदुस्तान में होल्ड कर रहे हैं, हम इसको पहली बार होल्ड कर रहे हैं। इंडियन इंटरनेशनल मिलिट्री गेम्स जो हैं वो हर साल होती हैं, और इसको रशिया ने शुरू करा था, और इवेंट्स जो हैं वो कई देशों में होते हैं। तो इस बार ये इवेंट हम कर रहे हैं और हम इसमें हिस्सा भी ले रहे हैं, और ये पहली बार हम हिस्सा ले रहे हैं। ये जो स्काउट मास्टर्स है, ये एक बहुत ही टफ कॉम्पिटिशन है। इसमें जो सोल्जर है उसकी जितनी भी काबिलियत है वो सब सामने उभर के आ जाती है। प्रतियोगिताओं के दौरान सैन्य कौशल, नेविगेशन, टीम वर्क और मैप रीडिंग समेत कई गतिविधियां हुईं। जाहिर है कि इस तरह के आयोजन से सैनिकों को भविष्य की तैयारियों में मदद मिलती है और दूसरे देशों की युद्धक तकनीक और कौशल सीखने का मौका मिलता है। जैसलमेर से शूर्यवीर और राजीव गौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया। और हमारी एक खास पेशकश लगातार जारी है, फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बारे में फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश जैसलमेर में जय हिंद। जीआईएस प्रतियोगिता का आयोजन 5 चरणों में किया गया। इन चरणों में अलग अलग युद्धक चुनौतियों से जूझते हुए सैनिकों ने अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन किया और आखिरकार बाजी हिंदुस्तान के हाथ लगी। प्रतियोगिता के समापन के मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। ये खास रिपोर्ट देखिए। जैसलमेर की गर्मी ने ली जवानों की परीक्षा। अलग परिस्थितियों में ऑपरेशन करने का मिला अनुभव। रेगिस्तान में ऑपरेशन को अंजाम देना आसान नहीं। सभी देशों के सैनिकों ने दिखाया साहस और पराक्रम। ऐसे आयोजन से बढ़ती हैं सैनिकों की स्किल्स। अंतर्राष्ट्रीय आर्मी स्काउट मास्टर प्रतियोगिता के 5वें सीजन का आयोजन पहली बार भारत में किया गया। इसमें टीम इंडिया को 7 देशों की सैन्य टीमों के साथ पहली बार अभ्यास का मौका मिला। सैन्य दक्षता के अभ्यास की इस प्रतियोगिता को 5 चरणों में आयोजित किया गया, जिसमें भारतीय सेना की टीम ने 4 स्टेज में टॉप और 5वें स्टेज में दूसरा स्थान हासिल कर मैदान मार लिया। ये प्रतियोगिता बेहद कठिन थी। इसे 5 चरणों में बांटा गया था, जिसमें अलग अलग तरह की चुनौतियों का जवानों ने सामना किया और अपनी क्षमताएं दिखाई। इस प्रतियोगिता के 5 चरण कौन कौन से थे, जरा ये भी जान लीजिए। दुश्मन के इलाके में दाखिल होकर हमला करना, स्काउट विशेष कोर्स में विशेष ऑपरेशन को अंजाम देना, रास्ते में आने वाली बाधाओं को खत्म करना, छोटे हथियारों से लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाना, दुश्मन के इलाके से निकलना और नदी या दरिया के रास्ते की चुनौतियां। इससे पहले इस प्रतियोगिता को 4 चरणों का आयोजन रूस में किया जाता रहा। अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर आधारित इस प्रतियोगिता में सेना की एक्सपर्टीज को लेकर रण क्षेत्र में होने वाली विभिन्न गतिविधियों के 5 चरणों में सभी देशों की सेनाओं ने जीत के लिए पूरा दमखम लगा दिया, लेकिन भारतीय सैनिकों ने अपने ऊंचे मनोबल के साथ रूस, चाइना सहित सभी देशों को पछाड़ते हुए प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल कर लिया। प्रतियोगिता में कौन किस नंबर पर रहा, आइए ये बताते हैं आप। भारत पहले स्थान पर रहा, उज्बेकिस्तान दूसरे स्थान पर, रूस तीसरे पर, चाइना चौथे पर, 5वें स्थान पर रहा कजाकिस्तान, 6ठे स्थान पर बेलारूस, 7वें स्थान पर आर्मेनिया और अंतिम स्थान पर रहा सूडान। आप जानते हैं कि इसका एक इंटरनेशनल
पैनल ऑफ जजेस एक्सपर्ट जजेस इसके लिए नियुक्त किया गया है। मेरे साथ रशिया के कर्नल शातलोव डिप्टी चीफ जज के तौर पे काम कर रहा है, बाकी हर एक देश का एक एक जज है और हम सब मिलकर इस कंपटीशन को बहुत ही तफसील से, बहुत ही डिटेल से, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव और प्रोफेशनल तरीके से इसको कंडक्ट कर रहे हैं। उधर सेना के प्रवक्ता संबित घोष ने जानकारी देते हुए बताया कि भारतीय सेना की टीम ने इस प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करते हुए अव्वल स्थान हासिल किया। इस प्रतियोगिता के समापन के मौके पर जैसलमेर आर्मी स्टेशन में भव्य समापन समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर सैन्य अधिकारियों ने भी जवानों का हौसला बढ़ाया। चाइना और इंडिया में बहुत पार्टिसिपेशन पहले भी हुए हैं मिलिट्री गेम में। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट इंडिया एंड चाइना आर पार्टिसिपेटिंग टुगेदर इन एन इंटरनेशनल इवेंट रिलेटेड टू मिलिट्री एंड प्रोफेशनल competitions, and they have happened in the past, they'll continue to happen and will happen in the future also. इधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, थल सेना अध्यक्ष विपिन रावत और दक्षिणी कमान के JOC लेफ्टिनेंट जनरल SK सैनी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस मौके पर भाग लेने वाले देशों के अधिकारी और अंतर्राष्ट्रीय आयोजन समिति के सदस्य भी मौजूद रहे। आयोजन के अंत में पुरस्कार वितरण के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय लोक संस्कृति के रंगों ने समा बांध दिया। इस प्रतियोगिता से सिर्फ भारत ही नहीं, सभी देशों के जवानों ने युद्धक तकनीक और कौशल की बारीकियां सीखी। रूस की सेना, जिसे कम तापमान में रहने की आदत है, उसने जैसलमेर की गर्मी में ऑपरेशन को अंजाम देना सीखा, तो वहीं चाइना जैसी आर्मी को रेतीले धोरों में अभ्यास का मौका मिला। स्काउट की मुख्य भूमिका युद्ध क्षेत्र में लीड करने की होती है। पेट्रोलिंग के दौरान स्काउट दुश्मन की गतिविधियों पर पैनी निगाह रखते हुए इसकी जानकारी इकट्ठा कर अपनी सेना की टुकड़ी को देता है। ये दुश्मन की मुख्य लाइन के पीछे होने वाली सैन्य हलचल और हथियारों की जानकारी भी इकट्ठी करता है। युद्ध के दौरान स्काउट की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। ये सेना के लिए आंख और कान का काम करते हैं। दुश्मन के क्षेत्र में घुसकर वहां अपने संपर्क बनाकर या फिर गुपचुप तरीके से उसकी रक्षा पंक्ति की पूरी जानकारी भेजते हैं। इसके आधार पर ही सेना अपने हमले की रणनीति बनाती है। जाहिर है, ऐसी प्रतियोगिताएं सेना की ताकत बढ़ाती हैं और जब इस तरह की प्रतियोगिताओं में जीत मिलती है तो हौसला चौगुना हो जाता है और भारतीय सेना ने ये साबित कर दिया है। खास तौर पर सीमा पर ड्यूटी देने वाले ये जवान हमेशा चौकस और कहीं न कहीं चाक चौबंद नजर आते हैं और इसका जो संदेश है वो इन जवानों में बहुत ही अंदर तक गया है, क्योंकि सबसे बड़ा अगर भरोसा है तो इन जवानों पर है। ये जवान दिन और रात ड्यूटी करते हैं तब के जाकर के इस तरह से चौकसी अच्छे से हो पाती है। लेकिन जिस तरह से 8 देशों की प्रतियोगिता यहाँ पर हुई, भारत सिरमौर बना है, ये अपने आप पर और हर हिंदुस्तानी को गर्व करने जैसी बात है। सहयोगी सूर्यवीर सिंह और भवानी सिंह गहलोत के साथ राजीव गौड़, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जैसलमेर। तो इसी के साथ ही हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।